गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम हिमानी एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो. तो थंबनेल देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है. सो इट्स 18 दिसंबर 2023 एंड मेरे टर्म टू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आज था मेरा पहला एग्ज़ाम बायोलॉजी का. मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता के रखा था कि मेरा पहला एग्ज़ाम बायो का है. सो ठीक है, आज मेरा बायो का एग्ज़ाम था एंड इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, लाइक क्या क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था और कैसा गया मेरा पेपर. या फिर एग्जॉस्टिव तो नहीं था या कोई हेक्टिक प्रॉब्लम हेक्टिक वगैरह तो नहीं था. ठीक है, तो वो मैं बताने वाली हूँ और कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं और कैसा मेरा पेपर गया वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो आई एम अ 12th ग्रेडर PCB स्टूडेंट एंड एज यू नो गाइज हमारा अब सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो चुका है और अब हमारे सीधे फाइनल्स ही हो गए. दिस इज माई बायो का पेपर, ये रहा मेरा बायो का एग्ज़ाम. मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है. इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी 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 इजी. मतलब जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था वैसा ही गया है टोटली. मतलब जितने लाइक कल मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना गाइस, तो मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें से जितने भी इधर आए हैं ना वो मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़े हुए थे. और उसके साथ में गाइस हमारा यूनिट ख़त्म हुई, उसके बाद सीधे स्कूल में टेस्ट होता है. जैसे बायो का मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, सिर्फ बायो का यूनिट खत्म हुई, चैप्टर खत्म हुआ, वैसे ही उसके नेक्स्ट दिन या दो दिन के बाद हमारा टेस्ट होगा. तो ऐसे ही होता है ना, हमारा एक एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है स्कूल के साथ ही, नोट्स बनाने के साथ ही, और बहुत अच्छी तरह से हमारा सिलेबस भी कवर हो जाता है स्कूल के साथ में. और क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना, जितना सिलेबस कंप्लीट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है. बट अगर आपने वो ऑलरेडी स्कूल में कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हें घर में कंप्लीट करने के लिए बहुत ईजी रहता है. तो इस तरह से मेरा हुआ था बायो का रिविज़न. दिस इज़ माई क्वेश्चन पेपर, 60 मार्क्स का मेरा पेपर था एंड इसमें चार सेक्शन हैं. तो पहले सेक्शन में 10 MCQ तुम्हें दिए गए हैं, मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना तुम्हें ऑलरेडी ऑप्शंस दी जाती हैं. ठीक है, तुम्हें ऑप्शंस दी जाती हैं और तुम्हें उनमें से कोई भी एक ऑप्शन टिक करनी होती है जो करेक्ट होती है. ठीक है, इस वाले सेक्शन ए में मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि ना बहुत बार ऐसा हो जाता है हम किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मेरे को वैसा कन्फ्यूजन इन ऑप्शनल क्वेश्चंस में रहता है, बट इट्स ओके. एंड सेक्शन बी में हमारे आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन. तो सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स वाले. सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वैसेक्टोमी. तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे जो सेक्शन बी में हैं. एंड वैसेक्टोमी तुम्हें पता है क्या होता है, जो वास डिफरेंस होता है उसको कटिंग और टाइम की जाती है टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. ठीक है, तो वो होती है वैसेक्टोमी. और ये मैंने इधर ये सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने सारे के सारे अटैम्प्ट किए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब नो डाउट. बस इस पहले क्वेश्चन को छोड़ के, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, ये वाले को छोड़ के मैंने सारे टोटली बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं. मतलब मुझे तुम ऐसा रखो, 2 में से 2 नंबर तो मुझे आएंगे ही. अब हम आते हैं सेक्शन सी पे. तो इसमें मुझे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं. तो पहला क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल. जब मैंने पिछला व्लॉग डाला था 1 डे बिफोर माई एग्जाम, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बताया था और मैंने उसको रिवाइज भी किया था. वो आ गया है 3 मार्क्स का क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से. उसके बाद में आता है राइट वेरियस फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में से ना जैसे चैप्टर का जो नाम होता है ना उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको तुम पढ़ के जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वही चीज़ें होती है. जैसे एवोल्यूशन था हमारा 7th चैप्टर था, उस चैप्टर में से जो एवोल्यूशन की थ्योरीज थी और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो इसका ओल्ड था, वो सारे तुम्हें पढ़ के जाने हैं. ठीक है, अगर तुम्हारा एग्जाम होगा तो, क्योंकि एवोल्यूशन चैप्टर है और उसमें एवोल्यूशन से रिलेटेड ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवोल्यूशन के बारे में वो चैप्टर है, तो उससे रिलेटेड ही तुम्हें क्वेश्चन आएंगे. मतलब जैसे चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड है ना, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ प्लाज्मिड, व्हाट इज़ रोल ऑफ ORI जीन एंड सिलेक्टेबल मार्कर जीन ऑन अ प्लाज्मिड. इसमें मेरे से हो गया थोड़ी, देखो 11th चैप्टर का है ये वाला क्वेश्चन, तो ये मैंने अभी करंटली पढ़ा था, बट ये मैंने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी थी, ORI जीन वाला ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मैंने ओनली प्लाज्मिड पढ़ा था. बट ठीक है, प्लाज्मिड का मैंने पूरा इसकी डिस्कवरी और इसका डिस्क्रिप्शन सारा लिख लिया है, बट ये जो ORI सिलेक्टेबल मार्कर जीन जो भी है ये मैं छोड़ के आई हूँ. मतलब ऐसा रखो 3 में से मेरे को 2 ही मार्क्स लगेगा, क्योंकि अगर तुम प्लाज्मिड की डेफिनेशन बनाओ, ORI की जीन की बनाओ, सिलेक्टेबल मार्कर की बनाओ,
तो तीन में से एक ही रखो तुम्हें इस क्वेश्चन में, बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसमें वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं। तो उसके बाद आ जाता है एक और क्वेश्चन, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स के क्या रोल हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है ना उसमें माइक्रोब्स आते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट थी उसमें उसमें मैकेनिकली प्रोसेस था, वो दूसरा बायोलॉजिकली होता है जो माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वो वाले स्टेप्स इधर लिखने थे। उसके बाद सेक्शन डी में आ जाते हैं तीन क्वेश्चन, तीनों के भी पार्ट हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन गिव एग्जांपल। तो ये है 2 marks का। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो जो यूज नहीं होती है ना, मतलब जैसे कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे एंसेस्टर्स में थी बट हमारे अंदर नहीं है, जैसे थर्ड आईलिड, ये यहाँ पे देख रहे हो ना तुम, ये थर्ड आईलिड होती है। तो जैसे रील्स आती है इंस्टा पे, वो ऐसे आईज बंद करते हैं ना, एनिमल ऐसे आईज बंद करके ऐसे खोलते हैं, तो उनकी एक स्किन की लेयर इधर आती है, तो वो उनकी थर्ड आईलिड होती है। बट हमारे जो एंसेस्टर थे वो थे मंकीज, उनकी थर्ड आईलिड थी बट हमारी नहीं है। और विजडम टीथ वगैरह होते थे उनके, वो भी थे, एग्जाम्पल भी देने थे इसके। उसके बाद ये मैंने काफ़ी अच्छे से ये वाला सेक्शन मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है। उसके बाद आता है मल्टीपल एलील, उसके बाद आते हैं ओकाजा की फ्रेगमेंट, ये एक ही नंबर का था। जो डिजीज वाला चैप्टर था ना जिसमें डिजीजेस थे मलेरिया और निमोनिया वगैरह, वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़ के जाना। वो मेरे इस एग्जाम में भी आई हैं, जैसे निमोनिया और मलेरिया के पैथोजन सिम्टम और प्रिवेंटिंग मेजर्स, ये मुझे आए हैं 2.5 mark का निमोनिया का है, 2.5 का मलेरिया का है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 28, ड्रॉ लेबल्ड एलएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। तो मैं एंजियोस्पर्म का पूरा नहीं पढ़ के गई थी, मैंने सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा था, जो उल्टे वाला होता है ना, चैलेंजल एंड नीचे को होता है, ऊपर को होता है सॉरी, तो वो वाला मैं पढ़ के गई थी, बट उसको मैंने उल्टा करके वो एंजियोस्पर्मिक वाला बना दिया जो रियल वाला होता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, पार्ट्यूरेशन, ये सारे मुझे डिफाइन करने थे, ये 3 number का है और एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन है। ये था मेरा क्वेश्चन पेपर, एंड सच बताऊँ मेरा आज का पेपर बहुत बहुत अच्छा गया है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उस मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है ना हर एक चीज़ में, जैसे स्ट्रेस तो नहीं लेती बट हर एक चीज़ में डाउट रह जाता है कि यार अगर ऐसा ये नहीं आया तो, वैसे जैसे डाउट था मेरे को, बट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो टोटली बहुत अच्छा किया था, मतलब वो टोटली वैसा ही हुआ जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, एंड मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बढ़िया गया। एंड ये सच बताऊँ तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी था, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस में लाइक सामने वो छोड़े, मैंने वैसे मैं पढ़ सकती थी उनको ऊपर से रिवाइज करके, फिर मैं कुछ भी लिख सकती थी, बट मेरा पेपर आज का सच बताऊँ तो बहुत अच्छा गया है। एंड ये बिल्कुल भी हैक्टिक नहीं था, एग्जॉस्टिव नहीं था, बहुत मज़ा आया मुझे एग्ज़ाम करने के लिए, और सुबह ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी स्कूल को जाने के लिए, लाइक बायो इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इसके एग्ज़ाम के लिए। बाकी कल है मेरा 19 को इंग्लिश का एग्ज़ाम, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता के रखा है मेरे एग्ज़ाम रेगुलर होने वाले हैं, तो 22 को मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे एंड कल है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है। एक्चुअली हाँ, ये मैं बता रहा भूलूंगी कि ये जो मेरा पेपर आया है ये सिर्फ 11 चैप्टर्स में से आया है बायो के, हमारे वैसे 16 चैप्टर हैं बट 11 चैप्टर्स इस क्वेश्चन पेपर्स में थे। एंड उसके बाद में कल है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम, उसमें आने वाला है पूरा का पूरा सिलेबस, पहली फ्लेमिंगो बुक का सारा सिलेबस, विस्तार का पूरा सिलेबस, उसके बाद पोइट्री वाला सेक्शन पूरा का पूरा, एंड पूरी बुक मेरे को पढ़ने को है। बट या इंग्लिश कौन पढ़ता है मुझे तुम बताओ, कौन ऐसे इंसान है जो इंग्लिश को पहले पढ़ लेता है, साल के स्टार्टिंग में पढ़ लेता है, पेपर के 2-3 महीने पढ़ लेता है, पेपर के 1 हफ्ते पहले पढ़ लेता है, मैं तो 1 दिन पहले पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ले लेती हूँ, मेरा हो जाता है इंग्लिश का। मतलब देखो जो बुक वाला सेक्शन होता है दैट वॉज वेरी वेरी ईजी, अगर तुमने चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर तुम्हें उनका नॉलेज है तो तुम क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हो। एक चीज़ बताओ ना तुम्हें गाइस, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के चैप्टर्स में भी, बुक वाले सेक्शन में भी लर्न करने के लिए, तो मैं बता दूँ, तो आप क्या करो, जैसे यूट्यूब में एनिमेशन वीडियोज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, किसी चैप्टर को सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल डीप वाटर है, तो उसको तुम यूट्यूब पर सर्च करो और एनिमेशन वीडियोज देखो। तो एनिमेशन वीडियोज़ क्या होती हैं बेसिकली, उसमें मतलब जैसे आपको पढ़ा के बुक में से नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें पढ़ा के नहीं किया जाएगा, तुम्हें वो स्टोरी पूरी दिखा के की जाएगी, जैसे मूवीज़ होती है ना, तो वैसे तुम्हें दिखा के की जाएगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और अगर तुम वैसे एनिमेशन वीडियोस देख के एग्ज़ाम देने जाते हो तो तुम्हें एज़ कम्पेयर टू बुक वाले रीडिंग से लर्न करने से ज़्यादा अच्छी तरह से तुम्हें याद रहेगा वैसे अगर तुम एनिमेशन वीडियोज़ देखोगे, ठीक है। और ग्रामर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ग्रामर में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर वाला पोर्शन तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा,
और लिटरेचर वाला भी जैसे पैसेज है, पैसेज आर वेरी वेरी इजी, ठीक है। मैं पैसेज वगैरह पेपर से पहले पढ़ के जाती ही नहीं हूँ, मतलब मैं पैसेज वगैरह देखती भी नहीं हूँ। पैसेज आर वेरी इजी फॉर मी, जैसे मेरे हाथ में पेपर आता है मैं सबसे पहले क्या चीज़ देखती हूँ, मैं देखती हूँ ग्रामर वाला पोर्शन, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर की कौन कौन से आए, किस तरह से आए और किस चैप्टर से आए। पैसेज में सीधे जैसे जैसे उसके बाद पेपर स्टार्ट होता है उसके बाद मैं क्वेश्चन को देखने लगती हूँ कि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तुम्हें कैसे सॉल्व करने होते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी, मैं कैसे करती हूँ, पहले तुम एक पैसेज पूरा पढ़ लो जो पैसेज आया है, उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन देखा तुमने, फिर तुमने जो पैसेज पढ़ा होगा तुम्हें याद आएगी कि यहाँ कहीं जैसे मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो उसको तुम ढूंढो, ठीक है। जैसे जो डिफरेंट सा वर्ड तुम्हें क्वेश्चन में लग रहा है उसको तुम पैसेज में ढूंढो, ठीक है। पैसेज में तुम्हें मिल गया फिर तुम्हें लग जाएगा पता, आगे पीछे तुम देखोगे कि हाँ ये तो ऐसा लग रहा है, तो तुम वैसे कर सकते हो। फिर वैसे ही पैसेज को क्वेश्चन वैसे हो जाते हैं। बाकी तुम ग्रामर में प्रैक्टिस करो, वो तुम्हें ग्रामर पढ़ के जाना पड़ेगा, ग्रामर में तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए इंग्लिश के पेपर में। बाकी अगर तुम बुक वाले पोर्शन की बात कर रहे हो तो एनिमेशन वीडियोस तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैं भी वैसे ही अपने चैप्टर्स को एनिमेशन वीडियोस में देखती हूँ और वैसे मेरे को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि बेसिकली चैप्टर में हुआ क्या। और ऐसे मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर लेती हूँ, मतलब अगर आप वो भूल गए हो चैप्टर तो फिर से एनिमेशन वीडियो देख लो, बस हो गया। बाकी आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर ही सकते हो, अच्छे से आंसर भी लिख सकते हो। कल है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम एंड मेरे एग्ज़ाम रेगुलर होने वाले हैं, तो अभी मैं जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं लंच करूँगी अपना एंड थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही पढ़ने जाऊँगी, नहीं तो मेरे को नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते। सो गाइस, ये था इस वीडियो के लिए एंड मेरा पेपर आज का बहुत अच्छा गया। एंड अगर आपके भी पेपर चल रहे हैं तो कमेंट डाउन बिलो कि आपका पेपर कैसा गया। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स एंड इट मोटिवेट्स माई लॉट टू क्रिएट मोर सच व्लॉग्स। एंड सब्सक्राइब करना तो भाई फ्री है, कर दो सब्सक्राइब। तो आई विल सी यू डायरेक्टली इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।